अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज तारीख है 12 अप्रैल सन 2024 और वक्त हो रहा है सुबह के 10:03। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिनी भौतरी रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से आपको अपनी 18 डाउन मिला था एक्सप्रेस का अराइवल और डिपार्चर कैप्चर करके दिखाएंगे। और उसकी वजह ये कि 15 अप्रैल से हमारी मिला था एक्सप्रेस का टाइम टेबल चेंज हो रहा है, तो आज मैं पेशावर के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ। अभी यहाँ से जाएंगे 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस पर लाला मूसा और लाला मूसा से 39 अप पर आगे पेशावर के लिए कनेक्टिंग जर्नी करेंगे। तो साथ साथ सोचा आपको मिला था एक्सप्रेस 18 डाउन का भी अराइवल और डिपार्चर कैप्चर करके दिखाया जाए, क्योंकि 15 अप्रैल से फिर टाइम टेबल चेंज हो जाएगा इसका और फिर ये मंडी बहुत दिन आया करेगी 11:15 पर। तो ये लास्ट एक्शन आज इसका यहाँ पर 10:15 पर कैप्चर करते हैं। आगे पता नहीं नियर फ्यूचर इसका टाइम टेबल दोबारा से चेंज होगा या नहीं, तो चलें इसको आज अगेन से 10:15 पर कैप्चर करते हैं। सामने आप लोग रश देखेंगे किस कदर पैसेंजर्स मौजूद हैं अपनी ट्रेन्स के इंतज़ार में। आज ईद का तीसरा रोज़ है, यानी कि 3 शवाल है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा मुसाफिर अपने प्यारों के घर कोई जा रहा है, कोई अपने घर जा रहा है, तो इसी वजह से ट्रेन्स में आज बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलेगा। व्लॉग शूट करूंगा मैं लाला मूसा से रावलपिंडी तक का 39 अप जाफर एक्सप्रेस में और आपको कंडीशंस दिखाएंगे रश की, कि ईद पर लोग कैसे सफ़र करते हैं। सामने से हमारी 18 डाउन की लाइट्स भी विजिबल हो चुकी हैं और अनाउंसमेंट भी हो रही है। तो दोस्तों पहुंच चुकी है हमारी 18 डाउन मिला था एक्सप्रेस, काफ़ी ज़्यादा विसरी के साथ आई है और धूल मिट्टी भी काफ़ी उड़ाई है। लगता है काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स भी इसके अंदर मौजूद होंगे पहले से ही। लाला मूसा से चलिए सुबह 9:15 के करीब और तीसरा स्टॉप ही अपना मंडी भौतरी रेलवे स्टेशन पर ही कर रही है। PHA 20 8319 आई थिंक सो लगा हुआ है, 8318 PHA 20 8318 लीड कर रहा है जी हमारी 18 डाउन मिला था एक्सप्रेस को और इंतहा का रश मौजूद है इसके अंदर। हिटाची लोकोमोटिव की चगिंग साउंड्स भी सुन रहे हो। 2 मिनट के करीब यहाँ पे रुकेगी और देन फिर निकलेगी आगे कराची के लिए। कैसी टोकन जा रहा है एक्सचेंज होने के लिए। अथॉरिटी टू प्रोसीड टोकन होता है ये और हमारी ब्रांच लाइन पर थ्रू आउट यही सिस्टम काम करता है। अभी ड्राइवर साहब ने जो शेलियाँ वाला से लिया था टोकन वो दे दिया है हमारे स्टेशन पे। अब ये टोकन मिलेगा 135 अप या 11 अप को जो भी पहले पहुँचेगी यहाँ पे। काफ़ी देर से कैमरा रोलिंग पे रखा हुआ था और जैसे ही शूटिंग बंद की और साथ ही फर्स्ट डिपार्चर विसल हो गया। PHA 20 8318 के बिल्कुल साथ ही मैं खड़ा हूँ, लेकिन आप लोग देखें कि इसके जो विसल्स हैं वो इस वाली साइड पर नहीं है, दूसरी साइड पर नहीं, इस वजह से यहाँ पर मुझे इसकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई। ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कितने 10 डिब्बे आगे इंजन खड़ा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सर पे, लेकिन फिर भी आवाज़ नहीं आई। फाइनल डिपार्चर विसल के साथ तकरीबन 5 से 6 मिनट रुकने के बाद निकल रही है हमारी 18 डाउन मिला था एक्सप्रेस PHA 20 8318 के साथ। KCR का कोच जो कि दोबारा से ऐड कर दिया गया हमारी मिला था एक्सप्रेस में।
रश देख सकते हैं आप लोग के काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स इन तीन रेलवे स्टेशन से ही सवार हो गए हैं और आगे देखते हैं अभी क्या होता है। ब्रेक सप्लाई हुई है गेंद से और CRRC टैंक्शन हमारे बिल्कुल सामने ही आगे रुक गई है। ये है 14,007 कोच नंबर। तो ये थी दोस्तों हमारी 18 मिला था एक्सप्रेस जो कि अपने वक्त से तकरीबन 2 मिनट के करीब तखीर में चल रही है और लैग स्मोक चेक करें भी आप लोग हमारे आलगो हिटाची लोकोमोटिव PH 28318 की क्या बात है जी। नेक्स्ट हमारे पास आएगी 135 अप या 11 अप क्योंकि दोनों का अराइवल मेरी बहुत दिन पर सेम ही शो हो रहा है। 11 अप आ रही है 11:10 पर और 135 अप आ रही है 11:15 पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे हसन भाई ये भी आज हमारे साथ ट्रैवल करेंगे टिल पेशावर। तो जल्द मुलाकात हुई एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।